आज मैं आपको चेरी जैम बनाना सिखा रही हूँ। मेरे पास जो चेरी हैं ये तकरीबन 1.5 किलो हैं। मैंने इनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। ये काफ़ी खट्टी हैं, इस वजह से मैं इनको इनके लिए शक्कर जो है वो ज़्यादा यूज़ करूँगी। तो ये मैंने ये वाला कप जो है वो शुगर का ले लिया है। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब शक्कर है। ये मैंने 2 से 3 चम्मच लेमन जूस लिया है और ये मैंने एगर लिया है जिससे मैं जेली को थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो ये मैंने पकने रख दी है और मैं इसको मैश करूँगी और मैश करने के दौरान फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें किस तरह एगर, शुगर और लेमन मिलाया जाएगा। इसके अंदर काफ़ी पानी हो रहा है तो मैं इसको पानी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब इसका ये पानी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही रस वाली चेरीज थी, तो इसके अंदर मैं जो हूँ वो ये जो शक्कर मैंने आपको दिखाई थी, चीनी, ये मिला दूँगी और लेमन मिला दूँगी। और जो ये जो है एगर, ये वाला जो एगर है ये हलाल जेलेटिन है, तो ये मैंने 1 चम्मच इसमें से निकाल लिया। ये डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए डालूंगी ताकि ये इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी जेली की या जैम की शक्ल की आए और इसमें सख्ती रहे। आपकी मर्ज़ी है, आपको मिल जाती है तो आप ज़रूर डालें, वरना ना डालना भी कोई मसला नहीं है। तो आप ये देखें, ये पक रही है, फिर इसके बाद मैं इसमें शक्कर और लेमन ऐड करूँगी। अब मैंने इसके अंदर ये लेमन जो है वो डाल दिया है। इसके बाद जो ये शक्कर थी तकरीबन 1 से 1.5 पाव थी, ये डाल दी है। और इसके बाद फिर मैं आपको इसका पकाऊंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट ताकि शक्कर अच्छी तरह घुल जाए। और मैं इसे पेस्ट की सूरत नहीं रखूंगी, ये थोड़े क्रंची क्रंची से रहेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ये चला रही हूँ क्योंकि ये इसमें काफ़ी क्रंचेस जो हैं वो रह गए थे, तो थोड़ा सा चलाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और अच्छा, इसके अंदर जो है शक्कर डालने के बाद पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं इसको मज़ीद 5 मिनट नहीं, 10 से 15 मिनट पकाऊंगी और उसके बाद फिर एगर इसमें मिलाऊंगी जो कि जेलेटिन है। इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पका लिया है और अब मैं इसके अंदर एगर मिलाऊंगी और एगर मिलाने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके ठंडा कर लूंगी और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक बॉटल में ठंडा होने के बाद दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास जो एगर था ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब आप इसका फाइनल लुक ठंडा होने के बाद देखेंगे। ये चेरी जैम तैयार हो गया है और मैंने गलती ये करी थी कि ये प्लास्टिक की बोतल थी, तो मैंने चाहा कि मैं इसमें डाल दूं, तो आप ये देखें गरम गरम डाली तो इस बोतल की शक्ल ये हो गई है। तो मैंने तो गलती कर दी, लेकिन आप ऐसे गलती नहीं करिएगा और इसको जो है ठंडा होने के बाद तब फ्रिज में रखिएगा जब इसके अंदर बिल्कुल भी गर्मी आपको महसूस ना हो। इंशाल्लाह आपको दूसरी फिर कोई और अच्छी तरकीब बताऊंगी, आप ये बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी।